नमस्ते दोस्तों, आज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे अपन। इससे पहले हिस्टोग्राम इक्वलिटी अपन कर चुके थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर। आज कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन 2D के अंदर जो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो अपन देखेंगे। जैसे कुछ बेसिक देखेंगे, इमेज को क्रॉप करना, इमेज को रिसाइज करना, या फिर अपन कह सकते हैं जो इमेज है उसको अपन किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे, वही आपको परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड एन इमेज। इमेज को अपन को रीड करना पड़ेगा, तो एक इमेज वेरिएबल लेते हैं आई, और इसके लिए फंक्शन है आई एम रीड। आई एम रीड नाम का एक फंक्शन लिया, देन जिस इमेज को अपन रीड करना चाहते हैं उसका पाथ अपन को यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वही है तो ठीक है, अदरवाइज पाथ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। सो आई हैव वन इमेज इन माई फोल्डर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, द इमेज इज p1.jpg। तो उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, .jpg को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। ओके सो सॉरी, आई जस्ट \p1.jpg फाइल का नाम नहीं लिखा था अपन ने। चलो, तो इमेज आपकी रीड हो चुकी है। अब इस इमेज को रीड करने के बाद वी जस्ट सिंपली इस इमेज को अपन शो कर देते हैं एक बार कि पहले ये इमेज किस तरीके से शो हो रही है। तो फिगर आई एम शो, तो इमेज अपन ने आई ले रखी है उसको अपन ने शो कर लेते हैं। तो ये इमेज जो है सेमी कॉलन लगा देते हैं, देन आई एम शो। तो इमेज आपकी कुछ इस तरीके से दिख रही है, अपन को शो हो चुकी है। नाउ वी डू टू ऑपरेशन स्टार्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू, वी कैन से इस इमेज को रिसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल आई टेक आई एम वन इमेज ले लेता हूँ, या इमेज वन ले लेता हूँ, और अपनी जो इमेज है आई एम रिसाइज, वी हैव फंक्शन आई एम रिसाइज। और ये जो इमेज है, इस इमेज को जो ओरिजिनल इमेज है आई इमेज, उसको अपन रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज है उसको अगर अपन 1024.1024 एक्स एंड वाई पिक्सल की वैल्यू माने, और उसको अगर अपन डिवाइड कर लें, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो इसकी साइज़ जो है वो फिगर आई एम शो देन वो इमेज जिसको अपन को शो करनी है i1, इसको अपन शो करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास ओरिजिनल इमेज है और ये जो इमेज अपने पास आई है दैट इज रिसाइज्ड इमेज। तो ये इमेज जो है वो रिसाइज हो चुकी है, इसको अपन ने स्केल डाउन कर दिया है। उसी प्रकार इसको अपन स्केल अप भी कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो आफ्टर देन सपोज यू विश टू क्रॉप द इमेज, है ना। अगर अपन चाहते हैं कि इमेज को क्रॉप करें, जिसमें इमेज के कोई एक जो इमेज आपको दे रखी है उसका कौन सा पॉइंट आपको लेना है, किस पॉइंट से किस पॉइंट में आपको क्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल सपोज कोई इमेज है तो उसका उसके अंदर कोई एक पिक्सल पॉइंट लेना है और दूसरा पिक्सल पॉइंट लेना है, और उसमें पूरे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है उसमें जितनी भी इमेज है। सो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है आई एम क्रॉप। तो वी टेक इमेज सपोज i2, उसके अंदर फंक्शन लेते हैं आई एम क्रॉप, और आई एम क्रॉप के अंदर वी सिंपली टेक इमेज, ओरिजिनल इमेज जिसको क्रॉप करना है तो आई है, देन वो एक्स एंड वाई पिक्सल कोऑर्डिनेट वैल्यूज़। तो एक कॉर्नर का वैल्यू देते हैं 75, 68 कोई भी रैंडम वैल्यू आप दे सकते हैं उस रेंज के अंदर, और 12, 250 इसको क्लोज कर देते हैं। ओके आई एम क्रॉप, ओके सो ये क्रॉप हो चुका है। देन फिगर आई एम शो i2। सो देखो ये इमेज जो है अपने पास ओरिजिनल इमेज जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। इसका अपन ने कोई पॉइंट वैल्यू दिया, सपोज यहाँ पे कोई एक्स वैल्यू होगा, वाई वैल्यू होगा, और यहाँ पे कोई एक्स वैल्यू होगा, वाई वैल्यू होगा, तो वो पूरा एक विंडो अपन को क्रॉप होके मिल गया। सो इट इज सिंपली क्रॉप क्रॉप ऑपरेशन। इन द क्रॉप ऑपरेशन वी सिंपली क्रॉप द इमेज, इन रिसाइज वी आर स्केल डाउन एंड स्केल अप ऑफ द इमेज, एंड वी टेक वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर।
सो अगर अपन करना चाहें, फॉर एग्जांपल इमेज को रोटेट करना चाहें, तो इमेज को रोटेट करने का एक फंक्शन है आई एम रोटेट। सो जब अपने पास इमेज थी, उसको अपन आई थ्री इमेज लेते हैं और उसमें करता हूँ आई एम रोटेट। और आई एम रोटेट करके इसके अंदर जो इमेज अपने पास है, आई इमेज, उसको रोटेट करना चाहते हो, तो ये एंटी क्लॉक वाइज इसको रोटेट करेगा। सपोज 90 डिग्री, या सपोज 30 डिग्री में रोटेट करना चाहूँ, एंड फिगर आई एम शो, और वह इमेज आई थ्री। देखो ये इमेज जो है, इट इज़ रोटेड इमेज एंड हियर इट इज़ ओरिजिनल इमेज। सो इमेज जो है आपकी थोड़ी रोटेट हो चुकी है, ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेट होगी। उसी प्रकार इसको अपन 90, 180, 270, आप जैसा चाहें इस तरीके से अपन इसको रोटेट कर सकते हैं। सो इट इज़ आर सम बेसिक ऑपरेशंस। सो आज अपन ने देखा कि इमेज को क्रॉप कैसे करते हैं, फिर अपन ने देखा कि इमेज को क्रॉप करके इसके अलावा इमेज की साइज़ को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं रीसाइज से, और फिर अपन ने देखा इमेज को रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन अगले जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसमें अपन देखेंगे कि इमेज जो आपकी दे रखी है, उस इमेज को आप किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के अंदर आपकी इमेज जो है वो कुछ पिक्सल्स स्टेप्स अप एंड डाउन समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो अपन और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।